लॉजिक सर्किट के बारे में बताया था। हाँ, एक सॉल्व किया था, किसी स्टूडेंट्स ने पूछा था हमको एंड और गेट के बारे में कि उसको सर्किट को कैसे ट्रा करते हैं सर, तो मैंने उसमें बताया था, है ना। अब आज मैं आप लोगों को ब्लॉक को डायरेक्ट स्क्रीन पे लाता हूँ और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यूनिट 2 जब स्क्रीन आ जाएगा तो आप बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, यस सर। तो मैं यहाँ पे यूनिट 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक 1 का यूनिट 2, ये आपको पेज नजर आ रहा है? पेज नजर आ रहा है ना यूनिट 2 का? हाँ, तो मैं यस हेक्सा डेसिमल नंबर के बारे में बताया था आप लोगों को, ऑक्टल नंबर के बारे में बताया था, है ना, हेक्स और बाइनरी कोडेड हेक्सा डेसिमल के बारे में, है ना। तो ये देखो, ये चार्ट बना हुआ है, ये चेक योर प्रोग्रेस है ना, इसको भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि ऑक्टल नंबर जो होता है, ये इस नंबर को 0 to 7 होता है, और उसको बाइनरी कोडेड ऑक्टल में इस तरीके से शो करते हैं। सभी को साउंड मेरा क्लियर है, वॉइस क्लियर है? यस हाँ सर हाँ तो 0 को देखो बाइनरी कोडेड ऑक्टल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को कैसे कर रहा है, 2 को कैसे कर रहा है, 3 को कैसे कर रहा है, 4 को कैसे कर रहा है, 5 को, 6 को और 7 को। उसी तरीके से हेक्सा डेसिमल नंबर को बाइनरी कोडेड डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए। 0 को 40 में, 1 को 0001 में, 2 को 0010 में, 3 को 0011 में, 4 को 0100, 5 को 0101, 6 को 0110, 0111। तो ये 4 डिजिट में इसको शो कर रहा है हेक्साडेसिमल को। मैंने कहा था कि आफ्टर 9 जो होता है, आपका ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, मतलब कि 10 to 15 जो होगा वो ए बी सी डी ई एफ से डिनोट करता है, मतलब 10 to 50। अगर कोई पूछे कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या है तो ये बताइएगा, अगर कहेगा कि बाइनरी कोडेड हेक्साडेसिमल नंबर क्या है तो ये बताइएगा, ठीक है। सेम थिंग है, ऑक्टल नंबर इसको बताइएगा, बाइनरी कोडेड ऑक्टल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम्स के लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए, ये आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर टू डेसिमल, ये प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स। ये चेक योर प्रोग्रेस आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल नंबर, डेसिमल टू बाइनरी। अब आता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इन कंप्यूटर्स, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इन कंप्यूटर्स। जैसे मान लो कि 2 बाइनरी बिट्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि इक्वल टू 4। उसी तरीके से अगर 3 बिट है तो 2 का पावर 3 इक्वल 8। सिमिलरली अगर 2 का पावर 4 है तो ये 16 हो जाएगा, है ना। 2 का पावर 5 है तो वो 32 हो जाएगा, 2 का पावर 6 है तो वो 34 हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है कि आपको देखो, बीसीडी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज बीसीडी, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, क्वेश्चन भी आता है,
कि आपको कि बीसीडी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको बताइए। तो बीसीडी नंबर को हमको कन्वर्ट करना है, तो जैसे डेसिमल नंबर में जीरो है तो इसको फोर डिजिट्स में, फोर बिट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फोर बिट का मतलब जीरो को जीरो 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 जीरो, फोर टाइम्स जीरो को लिखेंगे। सेम थिंग है, वन को है तो जीरो 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 वन होगा, टू है तो जीरो जीरो वन जीरो होगा, थ्री है तो जीरो जीरो वन वन होगा, फोर है तो जीरो वन जीरो जीरो होगा। उसी तरह फाइव होगा तो जीरो वन जीरो वन होगा, सिक्स होगा तो जीरो वन वन जीरो होगा, इसी तरीके से वन जीरो जीरो वन तक होगा। यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये टेन होगा, जैसे ही टेन होगा तो फोर बिट्स में वन को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे और जीरो को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देख रहे हो आप लोग? ठीक यस नो बोलो, एक वन स्टूडेंट बोलो। जीरो 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 वन को अलग रिप्रेजेंट करेंगे और जीरो को अलग करेंगे। टेन को बीसीडी में जब हमें लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? उसी तरीके से इलेवन लिखना है। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? सर, यस सर। हाँ, तो यस नो एक बोलो, ऐसा नहीं कि सबको ही बोलो। तो ये वन और जीरो, जीरो 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 वन को वन के रूप में रिप्रेजेंट किए, और ये जीरो है तो इसको जीरो के रूप में रिप्रेजेंट किए, यानी कि वन और जीरो यानी टेन। सेम थिंग है, इलेवन है तो वन लिखेंगे, वन लिखेंगे। ट्वेल्व है, वन है तो टू लिखेंगे, वन थ्री। सेम थिंग आपको हंड्रेड तक जाएगा, यहाँ टू जीरो तो यहाँ टू लिखोगे, यहाँ जीरो लिखोगे, यहाँ थ्री लिखोगे, यहाँ जीरो लिखोगे, ठीक है? अब कह रहा है कि हमें क्वेश्चन आ रहा है कि सर, बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट। सारे जिम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे सर, आप एक अच्छा बार अच्छा अच्छा उनको अच्छा एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ 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 मैं कर लेता हूँ। अभी तो एक ही लोग आया। अच्छा, हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 43.125, देखो नीचे में है, ये क्वेश्चन है 43.125 इन बीसीडी रिप्रेजेंट करना। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर 43.125 है ना? हाँ सर, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ, हाँ, तो यहाँ फोर के लिए क्या है, जीरो वन जीरो जीरो है, फिर वन थ्री के लिए है जीरो जीरो वन वन, और जहां डेसिमल होगा है ना, दशमलव का ये होगा तो यहाँ पर डेसिमल का साइन दोगे। अब उसके बाद वन टू फाइव है तो वन टू फाइव, इस तरीके से इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? नेक्स्ट जो है आपका आस्की के बारे में है। आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड में जो होता है, इस कोड का यूजेस जो होता है, 7 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने बिट में करते हैं? 7 बिट सेवन बिट में, में। हाँ, और 128 कैरेक्टर्स इसमें होता है, 128 कैरेक्टर। अगर कोई पूछे कि आस्की में कितने कैरेक्टर्स होते हैं तो 128 कैरेक्टर्स होता है। इसमें 32 नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं। अल्फाबेट्स लोअर केस में भी होता है, अपर केस में भी होता है। 0 to 9
डेसिमल नंबर भी होता है, डेसिमल डिजिट भी होता है, अदर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी होता है जिसको हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं तो इसकी जरूरत होती है। दैट आर अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड, जो भी चीज है वो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है। अब इसमें एडिशनल कैरेक्टर्स उसमें बाद में नीड के अनुसार उसमें ऐड करता गया। आस्की वाज एक्सटेंडेड टू 8 बिट्स, उसके बाद 7 बिट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, 8 बिट्स का हो गया, जिसमें कि क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं था प्रीवियस में, तो इसमें क्या किया गया कि 8 बिट्स का रिप्रेजेंट किया गया जिसमें 256 कैरेक्टर्स हो गया, है ना। यहाँ पानी है तुम लोग का ना सर? एट बिट के बाद यानी सर सबसे पहले 128 कैरेक्टर्स थे, और 7 बिट का सेवन था, 7 बिट। बिट का थे, तो उसके बाद और एक कैरेक्टर देने से वो 256 कैरेक्टर सपोर्ट कर हाँ, तो लेंगे। जैसे देखो 2 पर 8 डालोगे तो हाँ देखोगे 200, 2 पर पावर 8 इक्वल 256 होता है हाँ ना। सर तो उसमें नीड क्यों हुआ, जैसे जैसे लोगों को जरूरत हुई वैसे वैसे उसमें चेंज किया। तो इसमें जो है ग्राफिक्स कैरेक्टर्स का जरूरत था और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का, इसीलिए इसमें 128 से 256 किया। दूसरा क्या हुआ कि EBCDIC आस्की कोड के बाद EBCDIC बना, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये याद जल्दी रहता नहीं है, इसको दो चार बार 5 बार बोलोगे तो दिमाग में आ जाएगा, है ना। ये क्या होता है, इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग। इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर, IBM का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, जैसे हम लोग क्या कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, सर हम मिनियर लोग माइक्रो। हाँ बोलिए। माइक्रो कंप्यूटर्स हाँ माइक्रो या मैक्सिमम मिनी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है एक एडवांस कंप्यूटर्स है ना, मतलब कि जो स्पीड हम लोग यूज करते हैं उससे ज्यादा वो स्पीड में काम करता है। जैसे IBM जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बना। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर्स जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो मोबाइल जो हो गया एंड्रॉयड हो गया, लेकिन वही कहां पर कहां बहुत लोग एप्पल का यूज करता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वो सर्विस देता है। तो जितना एडवांस वर्जन हम यूज करेंगे उस तरीके से वो काम करता है ना। ओके सर बहुत लोग सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये देखो, ये कह रहा है कि मेन फ्रेम में जो मिड रैम सिस्टम जो है AS/400 है ना, उसी तरीके से ये कोड दिया है ना, यूज फॉर कंट्रोल कैरेक्टर, पंक्चुएशंस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, ये रेंज दिया है। यहां से शुरू होगा, 0 से लेकर शुरू होगा, तो ये क्या होगा, यहां तक है 0 0 1 1 4 by 1 है ना। उसके बाद ये जब ये कंप्लीट हुआ फिर दूसरा जो इसका जो रेंज है 0 1 0 0 0 0 0, फिर 0 1 1 1 और फिर 4 by 1। इसका जो लोअर केस कैरेक्टर का है इसका रेंज है 1000 4 times 0 1011 और 4 times 1, इन सभी का ये रेंज दिया हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है तो ये इसी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए आता है। अब कह रहा है कि आस्की और EBCDIC जो हमने बताया, इन दोनों के बीच में अगर हमको कंपैरिजन करना होगा तो कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि EBCDIC इज एन इजियर टू यूज कोड, मतलब हमको जो कोड यूज करना है वो EBCDIC का बहुत ही इजी होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आस्की है सम ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑन EBCDIC, मतलब कि ये तुम्हारे दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पूछा है कि अगर EBCDIC और मान लो कि आस्की के बीच में कहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EBCDIC और BCD, तो कुछ कुछ एडवांटेज जो है आस्की में है और कुछ में EBCDIC में है ना।
जैसे ASCII हैज सम ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑन ईबीसी डीआईसी. राइटिंग ए कोड सिंस ईबीसी डीआईसी इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन अल्फाबेट. जब कोड वगैरह लिखोगे तो वो एक सीरियल में नहीं रहता है, ठीक है, और इसीलिए आपको ब्लॉक्स वगैरह को लिखने में वो इजी नहीं रहता है. इफ यू वांट टू चेक ए कैरेक्टर अपर केस अल्फाबेट यू नीड टू टेस्ट इन रेंज ए टू जेड फॉर ASCII. ASCII में आप चेक करोगे तो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन ईबीसी आई सी डी आई सी में ये रेंज जो है अलग अलग रहता है. जैसे ए टू आई अलग रहेगा रेंज, जे टू आर का अलग रेंज रहेगा, एस टू जेड का अलग रहेगा. तो ये कंटिन्यूअस ब्लॉक में अलग अलग रहेगा, डिफरेंट. उसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ईबीसी डी आई सी में मिसिंग होता है, ये ध्यान रखना. अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है कि ASCII में जो कोड है वो ईबीसी डी आई सी में क्या चेंजिंग है, तो ये देखो, ये फोर कैरेक्टर्स है यहाँ पर, ये देखो, ये कैरेक्टर्स जो है ईबीसी डी आई सी में नहीं होता है, ठीक है. ये सिंपल सा एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चीज अवेलेबल है और कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है. हाँ, उसी तरह से यूनिकोड होता है. ये जो है यूनिकोड जो है एडवांस हो गया है ना, इसको हम यूनिकोड को मतलब यूनिक कोड कहते हैं, है ना. तो ये न्यूअर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये एकदम नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है. यूनिक कोड जो है वो एक यूनिक कोड फॉर एवरी कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, है ना, प्रोग्राम में हो, लैंग्वेज हो, या इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म हो, उसमें यूनिक कोड जो होता है एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है. इसका प्लेयर्स जो डेवलप किया यूनिक कोड में, जो मैं पहले भी बताया, इसमें क्या है, एप्पल के लिए है, एचपी के लिए है, आईबीएम में भी है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ओरेकल का भी है, सैप का भी है, सन भी है, साइबेस भी है, यूनी सिस्टम भी है, मेनी अदर्स कंपनी. ये सारी कंपनी जो है अलग अलग यूनिक कोड को यूज करते हैं, ठीक है. सब अपने अपने ब्रांड है. जैसे सैप है तो सैप एक अलग कंपनी हो गई, अलग तरीके, और ओरेकल जो हो गया एक अलग कंपनी है डेटाबेस के लिए, है ना. तो ये सारे अपने अपने क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज करता है. तो वो जो क्लाइंट सर्वर कोड का जो यूज कर रहा है, समझ रहे बातों को, क्लाइंट सर्वर मतलब कि सर्वर जो होता है स्टोर द इंफॉर्मेशन एड ऑन वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे उसको स्टोर करेगा और बाकी क्लाइंट्स है. सपोज दैट कि वी आर यूजिंग द जीमेल अकाउंट्स है, तो कहीं ये स्टोर तो होता होगा, है ना, या गूगल का सारा इंफॉर्मेशन है. तो गूगल आप सर्च करते हो तो ये सर्च इंजन है, तो ये सर्च इंजन का जैसे यूज करते हो तो उसका डेटा तो कहीं स्टोर होता होगा. तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो एक कोई सर्वर पे स्टोर होता है. तो उस समय एक यूनिक कोड का यूज होता है, और उसको जैसे जेएसपी में है ना, जावा सर्वलेट प्रोग्रामिंग, ये सब. सर मतलब जो हम लोग वो ओरेकल का या किसी भी का प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग समझने के लिए ओरेकल अपने सर्वर साइड पे कुछ कोडिंग करके रखता है. उसे ही यूनिक कोड कह रहे हैं हम लोग. हाँ, जैसे यूनिक कोड रिक्वायर्ड मतलब उसमें यूज करते हैं. जैसे हमारी बातों को समझो, जैसे सपोज दैट इसमें बहुत सारे तुम लोग XML पे काम करते होगे, बहुत लोग जावा पे काम करते होगे, बहुत लोग जावा स्क्रिप्ट पे भी काम करते हो. तो इसका मान लो कि कुछ एडवांस वर्जन चाहिए, एडवांस कोड चाहिए. जैसे ASCII कोड से काम नहीं चल रहा है, ईबीसी डीआईसी से काम नहीं कर रहा है, तो उस समय जो है यूनिक कोड का यूज करते हैं. अगर मान लो कि हम इंग्लिश का यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज क्या है कंप्यूटर पे, इंग्लिश है, करते हैं, लेकिन हमें अपने लैंग्वेज की जरूरत है, हिंदी की, देवनागरी की जरूरत है, तो उस समय उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है वो यूनिक कोड के द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है, यूनिक कोड स्टैंडर्ड के द्वारा होता है. समझ आ गया.
मतलब सर वो जो यस मतलब सिंपल एचटीएमएल का जो हम लोग कोड लिखते हैं उससे पहले जो कैर सेट इक्वल टू UTF-8 ऐसे करके वो डिफाइन कर देते हैं कि आप यहाँ हाँ से इस कैरेक्टर सेट से सारे कैरेक्टर्स उठाइएगा, तो वही हम हाँ तो एक तो वही चीज देखो यूनिकोड कि का काम बहुत रहता है। जगह हाँ कि बहुत स्पेशल कैरेक्टर की नीड होती है ना, कोई भी चीज होगा ना, जब ये काम करोगे तो आप ही काम करते हो, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस वो गेन होता है वैसे वैसे आप में इम्प्रूवमेंट आता जाता है, हर चीज नया सीखते हो। हर इंसान जो है हर दिन एक नया चीज सीखता है ना। सेम थिंग है कि कंप्यूटर्स भी है एक ऐसा चीज है कि जिसमें डे बाय डे वो कहता है ना कि जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है 100% एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसमें जो यूजर्स का जो रिक्वायरमेंट होगा तो डे बाय डे चेंज होगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ मॉडिफाई होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर्स को चेंज करता गया, लोगों को नीड होता गया, तो ASCII आया, ABCD IC आया, फिर ये यूनिक कोड आया, उसके बाद ISCII है ना, ये भी 8 बिट का कोड है, जिस ASCII वैल्यूज भी इसमें होता है, जिसका रेंज जो है 128 to 225 होता है। ये भी जो है एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर्स अगर रिक्वायर्ड होता है तो यूज करता है, जैसे इंडियन है, इंडियन जो है ब्राह्मी बेस्ड इंडियन स्क्रिप्ट का यूज करता है, ठीक है। तो इसका एक दिया हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड होगा उसको हम कहते हैं BIS, स्टैंडर्ड के अनुसार वो होगा, इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस सॉफ्टवेयर फॉर इंडियन इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए है ना, कि उसको हम अपने लैंग्वेज के अनुसार उसको चेंज कर सके, ठीक है। अब आता है डेटा रिप्रेजेंटेशंस फॉर कंप्यूटेशंस, हम जो ऐड डिलीट या साइन बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर यह दिया है कि जैसे बेसिक रिप्रेजेंटेशंस में क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, उसको हम फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं है ना, उसको डिस्क्रीट एलिमेंट्स में कर सकते हैं, कलर्स हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, म्यूजिकल नोट्स हो गया, चेस बोर्ड हो गया, तो ठीक है इस टाइप के कोड्स को हम फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, किसमें, एक फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर फॉर्मुलेट जो है जैसे आगे में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, अब यहाँ पर जो फॉर्मुलेट कह रहा है कि वो कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो सिंपल सा है देखो, यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइन बिट मतलब कि प्लस माइनस है ना, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ द नंबर इज फ्रैक्शनल देन बाइनरी और डेसिमल पॉइंट और एक्सपोनेंट है ना। अब साइन बिट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेरी इजी होता है, कहता है कि आपका जो साइन बिट होता है वो क्या होता है, साइन मतलब एक सिंबल है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, या तो वो पॉजिटिव उसको रिप्रेजेंट करेगा या निगेटिव करेगा। अब ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट इट शुड बी द लेफ्ट मोस्ट बिट है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए नंबर ऑफ एन बिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए नंबर ऑफ एन बिट्स, एन बिट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर लिखेंगे N+1 बिट नंबर है ना, अगर N+Z बिट इज द साइन बिट और रेस्ट एन बिट्स रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये देखो नीचे में फिगर बना हुआ है, नीचे में फिगर्स बना हुआ है देखो, N+1 मतलब कि 1 बिट जो होगा साइन बिट का है और जो रिमेनिंग एन बिट्स बचा हुआ है वो मैग्नीट्यूड बिट्स कहलाता है, कौन सा बिट्स कहलाता है, मैग्नीट्यूड बिट्स कहलाता है।
उसी तरीके से मैं प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, तो यूज करते हैं और एक रजिस्टर्स में भी उसके वैल्यू को रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है मैग्नीट्यूड और एन बिट्स के बारे में आपने क्लियर किया। उसके बाद है आपका कंप्लीमेंट, जैसा हमने बताया था वंस एंड टूज कंप्लीमेंट बताया था ना, हाँ सर, प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर कह रहा है, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि हम जो यूज करते हैं कंप्लीमेंट्स, तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट फॉर ए नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट फॉर ए नंबर ऑफ बेस, आल्सो कॉल्ड रेडिक्स। रेडिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आर का यूज करते हैं, और देयर आर कॉल्ड आर एस कंप्लीमेंट, आर एस मतलब आर माइनस वन। अब यहां पर कह रहे हैं कि डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट जो करना है उसका बेस क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। डेसिमल का जो होगा बेस जो होगा 10 होगा, जैसे बाइनरी का क्या होता है 2 होता है, ऑक्टल का क्या होता है 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो डेसिमल का जो हो गया 10 हो गया, तो कंप्लीमेंट्स विल बी टेंस कंप्लीमेंट, और उसमें अगर हमको नाइंस कंप्लीमेंट निकालना है, टेंस माइनस वन आर माइनस वन, यानी कि नाइंस कंप्लीमेंट हो गया, हाँ सर, टेन माइनस वन नाइंस कंप्लीमेंट होगा। उसी तरह बाइनरीज कंप्लीमेंट, बाइनरीज का निकालते हैं तो पहले वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं माइनस वन, यानी कि जो नंबर होता है उसको अपोजिट कर दोगे तो वंस कंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर उसमें प्लस वन कर दोगे तो वो टूज कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखिए है ना, ये क्वेश्चन है फाइंड द नाइंस कंप्लीमेंट एंड टेंस कंप्लीमेंट फॉर द डेसिमल नंबर 256। मतलब कि उसका हम नाइंस कंप्लीमेंट भी निकालना है और टेंस कंप्लीमेंट भी निकालना है जिसका डेसिमल नंबर 256 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नाइंस कंप्लीमेंट जो है, यानी कि अगर हमको 4 बिट में निकालना है, जैसे 256 है तो उसको ऑलरेडी 4 बिट में ही निकालो है ना, तो 4 बिट में बीसीडी में अगर हम निकालेंगे तो 4 बिट का मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, 9999 होगा 4 बिट का। अब उसमें से हम अगर 256 को हटाए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900743 होगा, 900743 होगा है ना। अब कह रहा है कि उसका फिर टेंस कंप्लीमेंट निकालेंगे, जब टेंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्लस वन को ऐड करेंगे, प्लस वन को हमने ऐड किया तो क्या होगा, 9743 प्लस वन, यानी कि 9744, सही, ठीक है सर। हाँ, तो ये टेंस नाइंस कंप्लीमेंट, अगर टेंस कंप्लीमेंट होगा तो इस तरीके से बीसीडी में क्यों, मतलब रिप्रेजेंट क्यों किया गया, कोई पर्टिकुलर रीजन था, कंप्यूटर्स जो है ना, कंप्यूटर्स को ना इस तरीके से उसको बनाया गया कि वो बीसीडी फॉर्म को समझे है ना, बाइनरी कोडेड ईबीसीडी आईसी को, यूनिकोड को समझे, क्योंकि किसी भी चीज को मान लो कि सपोज दैट कि मैं और तुम बात कर रहे हैं तो कोई तो लैंग्वेज होगा कि जिसको इंटरचेंज या ट्रांसफर करे जो कंप्यूटर को समझ सके, कंप्यूटर तो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है ना, नहीं सर। तो हम तो अपने लेवल के लिए उसको डेवलप किए हैं, जावा जो है हमने ऐसा बनाया है, जावास्क्रिप्ट ऐसा बनाया है, ओरेकल ऐसे बनाया है, वो तो हम अपने सुविधा के लिए बनाए, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, उसके लिए तो कोई कोड होगा, तो इसलिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है ना। ओके सर, अब वंस और टूज बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में भी, जैसे 1010 का 4 डिजिट्स रिप्रेजेंटेशन है, तो वंस कंप्लीमेंट को तो या तो इसको माइनस करो या इसका ठीक अपोजिट कर दो, जैसे 1010 है तो 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0 कर दो, ये शॉर्टकट है। अगर नियम से आओगे तो वंस कंप्लीमेंट का अगर है 4 बिट 4 बिट का है तो ऊपर में भी 4 1 करो
और इसमें जो नंबर आपका दिया है उसको माइनस करोगे, माइनस करोगे तो 0101 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका वंस कंप्लीमेंट हो गया। अगर इसमें टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो आपका आया 0101, तो 01 और 01 में प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ही 1 ऐड करोगे 0101 में तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11 क्या होता है 2, तो 0 यहां हो जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, फिर 10, तो यानी हो गया 0110। इस चीज को जो एक्स्ट्रा हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और इसको जो होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। सर अगर राइट हैंड साइड में अगर एक्स्ट्रा अगर 10 आ गया, मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें अगर 10 आ गया तो 1 को क्या हम लोग डिस्कंटिन्यू, ओवरफ्लो, वो डिपेंड करता है। एक होता है ओवरफ्लो होता है, नंबर्स आते हैं जो वैल्यू आते हैं तो ओवरफ्लो कहते हैं, वो भी आ गया भी मैं बताऊंगा, तो ओवरफ्लो को उस नंबर को हटा दिया जाता है। तो आपका एग्जैक्ट जो नंबर हो, जैसे 4 बिट का है, अगर मान लो कि 4 बिट का ही क्वेश्चन में लिखा है कि दिस एडिशन ऑफ द 4 बिट, ठीक है, तो अगर वो 5 बिट हो गया तो वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि वो एक्स्ट्रा बिट हो गया, तो या तो उसको हटा देते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं, वो देखो आगे में होगा। अब यहाँ पर देखो साइन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, ये देखो ये जो है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ना, तो फिक्स पॉइंट नंबर्स जो है बाइनरी यूजेज ए साइन बिट, कौन सा यूज करता है, साइन बिट को। आप कहोगे कि ये साइन बिट क्या है, तो साइन बिट में जो है जैसे पॉजिटिव नंबर है तो उसका साइन बिट 0 होगा, है ना, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका साइन बिट जो होगा 0 होगा, अगर वो निगेटिव नंबर है तो उसका साइन बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। हाँ, तो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से याद रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर के लिए 0 होता है और निगेटिव नंबर के लिए साइन बिट 1 होता है। अब ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखो एजम्पशन साइज ऑफ रजिस्टर 8 बिट्स, जो रजिस्टर में हम यूज कर रहे हैं वो 8 बिट्स का है ना। अब 8 बिट्स का है दैट मीन कि मैग्नीट्यूड जो होगा 7 बिट का होगा और साइन बिट जो होगा 1 बिट का होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 7 बिट का होगा और साइन बिट जो है 1 बिट का होगा। तो यहां पर देखो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन दिया है ना। अब यहां पर क्या है, डेसिमल नंबर देखो ऊपर में प्लस 6 है और नीचे में माइनस 6 है, तो प्लस 6 के लिए 0 दिया है और माइनस 6 के लिए क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि 7 बिट जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया और 1 बिट जो हो गया साइन बिट हो गया। तो देखो 00010 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 बिट में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। सर एक क्वेश्चन है, हाँ सर बोल रहे थे अगर वैल्यू 8 बिट से इंक्रीज कर गया, मतलब जैसे 512 या 1024, तब तो 7 बिट्स में नहीं आएगा, नहीं तो उसके अनुसार फिर वो चेंज करेंगे ना, जितने बिट में आएगा उसी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कि 256 का है तो वो तो 8 बिट तक आ जाएगा, लेकिन 256 बिट से ऊपर आया, 256 भी नहीं आएगा, 128 आएगा, 128 से जैसे ही इंक्रीज करेगा तो वो आपका चेंज होगा, है ना। ओके सर, उसी तरीके से यहाँ पर देखो 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन साइन बिट का है, मैग्नीट्यूड वंस कंप्लीमेंट इसका निकाला है ना। इसका वंस कंप्लीमेंट क्या किया है देख लो, नीचे इस तरीके से भी होगा, ये तो हो गया ऊपर में साइन बिट रिप्रेजेंटेशन। अगर कहा कि साइन बिट वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो क्या करेगा, प्लस 6 को तो एज इट इज लिखेगा 0 का, है ना, और नीचे में जब वंस कंप्लीमेंट निकालना होगा तो ऊपर वाला जो 6 है उसका वंस कंप्लीमेंट मतलब 00110 है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1001 होगा, 0000 है तो यहाँ पर 1111 हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को,
ओके सर, मतलब इसी तरह साइंड साइंड में सिर्फ नेगेटिव जो नंबर है उन पे ही ये काम करेगा। हाँ, साइन बिट में जीरो के लिए जीरो, पॉजिटिव के लिए जीरो, नेगेटिव के लिए वन। वन, ओके ये उसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन आया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप लोगों को समझ आया था? +25 -30 +30 -30 है ना? हाँ सर, ये साइन बिट और उसके मैग्नीट्यूड। हाँ, तो साइन बिट और मैग्नीट्यूड के अनुसार ये बना हुआ है ना। देखो ये जो है साइन बिट साथ में है ना, और इसका मैग्नीट्यूड जो है प्लस और माइनस का है, ठीक है? सेम थिंग इसमें भी है। ये अर्थमेटिक एडिशंस आता है ना, ये ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक एडिशंस आता है। ये जो है ये टूज कंप्लीमेंट निकाल कर है ना, ये वाला जो चीज है, और ऊपर वाले में देखो डिफरेंसेस है ना। ये सिंपल साइन बिट के अनुसार है, और यहाँ पर जो है वंस एंड टूज कंप्लीमेंट के अनुसार ये आपको ये काम किया गया है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओनली साइन बिट के थ्रू आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, या आपको वंस एंड टूज कंप्लीमेंट के द्वारा उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कीजिए। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, और ये देखो ये सब सारा सॉल्व है ना। इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा तो सारा क्वेश्चंस है। अब जैसे ये कह रहे थे ना, एक क्वेश्चन तुम लोगों में था कि अगर एक्स्ट्रा बीट आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे। हाँ सर, मतलब तो यहाँ पर ये देखो एक्स्ट्रा बीट आ गया, ये देख रहे हो वन, ये आ हाँ रहा है सर, नजर आप लोगों को। हाँ वो कैरी फॉरवर्ड जो था, कैरी आउट जो हाँ, ये रहेगा। कैरी आउट कर दिया इसको है ना, तो ये क्या होगा, रिमेनिंग जो होगा आपका वैल्यू होगा। उसी तरह यहाँ पर भी है कैरी आउट बिट है ना। ओके तो अगर आप जितने बीट का यूज करते हैं उसी के अनुसार वो यूज करता है ना। तो इसको भी ब्लॉक को आप लोग देखिएगा, 43 नंबर पेज का है, और इसके बाद वंस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमने बताया है ना। ओके एक सर, एक चीज इसको देखो, यहाँ पर ये देखो कैरी आउट कर रहा है, ओवरफ्लो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये कैरी आउट कर रहा मतलब सर उसके पास बिट नहीं है तो वो स्टोर कहाँ करेगा उस कैरी आउट नंबर है। उसको तो को कैरी उस। आउट हो गया, मतलब उसको हटा दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ओके सर, ओके, उसका नो यूज इन द रिजल्ट, क्योंकि डिस्कार्ड मतलब ही होता है कि उसको हटाया गया। ये देखिए +0 को -0 को, फिर देखो यहाँ पर भी कैरी आउट किया जा रहा है ना। बहुत सारे हैं, उसको नीचे में भी ऐड कर देते। अब जैसे ये तुम लोग कह रहे थे ना फॉर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, देख रहे हो भाई ये निकला हुआ है कितना कितना होगा। उसी तरह अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शंस होता है, बोरो किया जाता है, ठीक है, माइनस का भी बोरो किया जाता है। ओवरफ्लो क्या होता है, यहाँ पर देखो ओवरफ्लो इज सेड टू हैव ओकर्ड व्हेन द सम ऑफ टू एन डिजिट्स नंबर ऑक्यूपाइज एन +1 डिजिट, मतलब कि एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उस समय वो ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन लिखा है, एट द नंबर्स ऑफ 65 एंड 75 इन 8 बिट रजिस्टर इन टूज कंप्लीमेंट नोटेशंस, लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाँ सर, यस सर, हाँ, तो ये जब लिखा हुआ है तो यहां पर देखो 65 और 75 का मतलब होता है 140, 140 होगा ना। हाँ सर, ये जो उस हाँ 70+70, हाँ 140 है होगा सर। 140 है। अब यहां पर देखो कि ये जो है 8 बिट का है, हाँ सर, एक साइन बिट है और 7 मैग्नीट्यूड बिट है। है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि बाइनरी अगर सम करोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा,
दिया है हाँ सर दिया है एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज 140 बट द बाइनरी सम इज नेगेटिव नंबर एंड इज इक्वल टू -116 हो या मेरे ख्याल से तो 116 भी नहीं लग रहा है ठीक है होगा -12 होगा ठीक है होगा सर हाँ तो मतलब कि जो रिजल्ट है वो तो नहीं आ रहा है ना यानी कि ये ओवरफ्लो हो गया ये ओवरफ्लो हो गया टूच कंप्लीमेंट में तो इस चीज के लिए यहां देखिए ओवरफ्लो जो कहते हैं यहां पर देखो है ना तो इसको लिए तो ये एक बीट को स्ट्रक किया जाए है ना अदरवाइज वो देखो यहाँ पर देखो 65 -15 -80 यहाँ पर देखो 65 का जो होगा वो ये हुआ नंबर 7 बीट में और -15 के लिए ये नंबर हुआ 15 के लिए जब इसको ऐड करते हैं तो साइन बीट तो आ ही रहा एक एक्स्ट्रा बीट आ रहा है जिसको हम कैरी आउट करते हैं अगर यहाँ पर नहीं है तो ये नो ओवरफ्लो लिखेगा अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है तो यहाँ पर लिखेगा ओवरफ्लो मतलब कि ओवरफ्लो क्या होता है जब कोई एक्स्ट्रा हो जाता है मतलब आपका जो रिजल्ट है वो ना आके किसी कोई और रिजल्ट शो कर रहा है ना ओके मतलब जब हमारा हमारा जो कैरी कैरी आउट साइन बिट को हैम्पर करता है उसे शायद ओवरफ्लो कह रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा जैसे अभी हमने सिंपल सा एग्जांपल बताया ना कि एक्स्ट्रा का मतलब कि वो लिखेगा कि कैरी इनटू साइन बिट 1 कैरी आउट ऑफ साइन बिट 1 देयरफॉर नो ओवरफ्लो अगर कैरी बिट इनटू साइन बिट 0 कैरी आउट साइन बिट 1 देयरफॉर ओवरफ्लो उसको आपको उसको रिप्रेजेंट करता है उसी तरीके से यहाँ पर है डेसिमल फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डेसिमल फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है चेंज हो गया यहाँ पर जो साइन बिट था वहां पर क्या था एक एक ही अंक का था मतलब कि वन बिट्स का था जीरो या वन करते थे ना लेकिन यहाँ पर जो होगा वो क्या डेसिमल फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को 4 बिट्स में उसको साइन करेंगे कितने बिट में करेंगे अनसाइन 4 बिट में अगर 1100 है तो वो प्लस में है 1100 है तो वो क्या है प्लस में है अगर 1101 है तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा समझ रहे बातों को सर मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है क्योंकि एक बिट स्टोर करने में मेरा ज्यादा यानी कम स्टोरेज लग रहा था ये आपका क्वेश्चन सही है कि क्यों हम 4 बिट का यूज करें जब हम एक ही बिट का यूज कर रहे हैं तो इसमें कह कह रहा है कि द पर्पस ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन इज टू कीप द नंबर इन डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हमको डेसिमल के इक्विवेलेंट रखना है जैसे 5 है तो 5 के जैसे 2 के लिए हम क्या करते हैं बीसीडी में 2 के लिए 0010 लिखते हैं ना हाँ सर 1 के लिए 0001 लिखते हैं ना 0101 लिखते हैं 5 के लिए 6 के लिए 0110 लिखते हैं लेकिन अगर आगे में साइन बिट केवल 0 और 1 लिखेंगे तो वो डेसिमल के इक्वल नहीं होगा बीसीडी के इक्वल नहीं होगा तो उस चीज को इक्वल करने के लिए ये हम यूज करते हैं 1100 और 1101 का समझ रहे समझे बातों को क्योंकि हमको 4 बिट में बीसीडी को रिप्रेजेंट करना रहता है ठीक है ओके सर उसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चंस है छह की ओर प्रोग्रेस में आप लोग जाइएगा तो देखिएगा राइट द बीसीडी इक्विवेलेंट टू 3 नंबर्स ये सब सॉल्व कीजिएगा वेरी इजी है वंस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है ये सब बहुत इजी है इसको बनाओगे ना तो ये एक दो नंबर का क्वेश्चन है ये सब ठीक है अब इसमें ओवरफ्लो को भी रिप्रेजेंट करना है ना उसी तरीके से एक आता है ये देखो ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही आता है ये शॉर्ट नोट्स भी आता है आपके दिमाग में रहेगा तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं है ना
उसमें कोई मतलब कि जैसे व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज ओवरफ्लो, व्हाट इज डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन, है ना, व्हाट इज बीसीडी, तो उसके बारे में मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर तुमको जब असेंबली लैंग्वेज का यूज करोगे तो असेंबली लैंग्वेज में भी ये आपको पढ़ना है कि बीसीडी फॉर्म में असेंबली लैंग्वेज को डेवलप कीजिए, है ना। ओके तो ये सारे चीज उसमें आपका इन्वॉल्व रहता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस नंबर्स को होता है, इसमें कह रहा है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ नंबर जो होता है साइन फिक्स पॉइंट नंबर होता है, क्या होता है साइन फिक्स पॉइंट नंबर होता है, जिसमें मेंटिसा होता है, और जो सेकंड जैसे फर्स्ट जो टर्म होता है वो मेंटिसा का होता है, और जो सेकंड पार्ट जो होता है स्पेसिफाई होता है या तो डेसिमल होता है या बाइनरी पॉइंट पोजीशंस होता है या टर्म एज एक्सपोनेंट होता है। मेंटिसा जो होता है वो कैन बी इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, फ्रैक्शंस मतलब कि फ्लोट का भी हो सकता है और इंटीजर्स का भी होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि डेसिमल या बाइनरी नंबर्स को हम इसको दिखा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, ए डेसिमल, यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, फ्रैक्शनल दिखा रहा है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट में देखो कि ए डेसिमल प्लस 12.34 इन ए टिपिकल फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, किसी भी दो फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाना है तो देखो वहां पर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4। अगर एक्सपोनेंट को दिखाएगा, एक्सपोनेंट में कितने अंक हैं, 3, 4 मतलब 2 है ना, मेंटिसा में 1, 2, 3, 4 और एक्सपोनेंट में मतलब के डेसिमल के बाद कितने हैं, तो 0, 2, क्लियर। सर वैल्यूज को दिखाने का जरूरत नहीं है इन द फ्लोटिंग पॉइंट, नहीं वो आगे में क्वेश्चंस होगा, देखो ना अभी घबरा मत। ओके ओके, क्योंकि सर यहाँ पर एक्सपोनेंट में सिर्फ यानी 0, 2 लिखा हुआ है, मतलब नहीं उसको आप एज्यूम करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना। देखो आगे देखो ये दिखा है ना एक्सपोनेंट, यहाँ पर देखो मेंटिसा और एक्सपोनेंट को दिखा रहा है ना, देख रहे हो मेंटिसा पार्ट अलग है, एक्सपोनेंट पार्ट अलग है और साइन बीट अलग है, तीनों समझ रहे हो। हाँ सर, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोटिंग बाइनरी नंबर्स इन ए 16-bit रजिस्टर। अब देखो ये जो हम यूज करते हैं तो स्टोर द इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ना, हम जो है हमारा जो कंप्यूटर्स को है तो वो एक स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, तो हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे लैंग्वेज में तो नहीं करता है, वो क्या करता है मैसेज कोड में करता है। तो उस चीज को हमें ये समझना है कि उसको कैसे करता है, वो कैसे मेंटिसा को करता है, कैसे एक्सपोनेंट को करता है, कैसे साइन बिट को करता है, ये सारे चीजों को ये हमें पढ़ना रहता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए कि हमको इसकी भी जानकारी होना चाहिए, ये कंप्यूटर्स जो है काम कैसे करता है, हमारी लैंग्वेज को भाषा को कैसे समझता है। आजकल क्या है, आने वाले समय में मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम भी हिंदी में होगा, ठीक है। तो वो चीज जब यूज करेगा तो हमारे देवनागरी भाषा को तो कंप्यूटर नहीं समझेगा ना, उसको तो वो चेंज करेगा, उसके लिए अलग अलग नंबर्स बनेंगे, यूनिक कोड बनेंगे, ABCDIC कोड बनेंगे, उसके अनुसार उसको चेंज करेगा। तो ये 16-bit का है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास आज इवनिंग में 2 बजे से है ना। हाँ सर, ये सर 2 बजे, हाँ तो आज 2 बजे वाले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम ये सब साइन बिट वाला देख लेना, है ना। और मैं 2 बजे वाले क्लास में आज मैं आप लोगों को सर्किट के बारे में डिस्कस करूंगा, है ना, लॉजिकल सर्किट के बारे में, है ना। इसके बारे में हमने बायस डिसीजन ये वाला समझा दीजिए थोड़ा। अच्छा ये वाला,
यहां तक तो मैंने बताया था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तक, है ना। अब यहां पर कह रहा है कि जैसे नॉर्मल एक्सपोनेंट जो होगा 8 बिट्स का होगा तो उसको रिप्रेजेंट करोगे एक्सपोनेंट वैल्यू को, तो कहां तक कर सकते हैं 0 to 255। तब अब कह रहा है कि 255 तो ये माइनस में भी जाएगा, तो माइनस का जो रेंज है -128 to 127, मतलब 255 हो गया ना, -128 से लेकर +127 तक, यानी कि 255 का रेंज हो गया। यस सर। तो ये कह रहा है कि अगर लेफ्ट मोस्ट बिट को हमको यूज करना है, जैसे 23 है, तो 23 बिट का मेंटिसा जो होगा उसमें एक जो होगा प्लस वन जो हो जाएगा। अब वो क्या कहते हैं कि ये कह रहा है कि लेफ्ट मोस्ट बिट कैन नॉट बी जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी वन, दस इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टोर दिस बिट एंड इज बीइंग अज्यूम्ड इम्प्लिसिटली फॉर द नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर है जैसे 23 है प्लस जो है 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये नीचे में, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया है कि द स्मॉलेस्ट मेंटिसा वैल्यू मे बी, है ना, तो फर्स्ट बिट 1 फॉलोड बाय 23 जीरोज, दैट इज देखो ये फर्स्ट बिट क्या हो गया 1 हो गया और बाकी जो हो गए यहाँ पर 0 हो गया, ये कितने 23 है, है ना। अगर इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में देखोगे तो 1 into 2 - 1, क्योंकि पहला वाला ये लास्ट वाले जीरो का कोई वैल्यू है, यस या नो बोलो। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 into 2 - 1 इक्वल 0.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। हाँ, सेम थिंग अगर अगर यहाँ पर 0.111 हो गया तब तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और उसका जो वैल्यू चेंज हो जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा 2 to the power -24, क्योंकि -24 के पोजीशंस पर यहाँ पर देखो लास्ट में 1 है, ठीक है, लास्ट में 1 है, यानी कि 2 - 24। अब इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, तो 1 इसका वैल्यू क्या है 1 - 2 - 24, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। सर एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देख लेना फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, है ना, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा अभी क्लास होगा ना नेक्स्ट वाला, इसमें मैं बताते जाऊंगा ना, आप लोग स्टडी कर लेना इसको, ठीक है, तो आप भी उसको समझोगे जैसे बाकी चीजें, तो इसको भी हमको समझाते रहेंगे, हम तो बढ़ जाएंगे पर तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में तो इसको बताएंगे, आगे सर्किट को बताएंगे और इसको मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके सर, ओके सर।